हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में शाओरन विक से कहता है कि सारा डाटा हमारे हवाले कर दो, तो विक कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इस गेम की कमर्शियल वैल्यू कितनी ज्यादा है। प्लेयर्स अपनी ब्रेन वेव्स के जरिए इस गेम को खेलने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम ब्रेन वेव्स के जरिए प्लेयर्स की जानकारी कैप्चर कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम एक डेटाबेस बिल्ड कर सकते हैं। विक इन दोनों से कह रहा होता है कि क्यों ना हम लोग मिलकर काम करें। शाओरन कहते हैं कि मुझे लोगों की प्राइवेसी को बेचकर पैसे नहीं कमाने। इतने में सॉन्गलिन को ताशुंग की कॉल आ जाती है जो कि उसको बताता है कि गेम के अंदर एक ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है जिसकी वजह से सारे कैरेक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। सॉन्गलिन कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे गेम के साथ क्या किया है। विक कहते हैं कि मुझे सॉन्गलिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी अच्छी गेम लॉन्च होने से पहले ही खत्म होने वाली है। सॉन्गलिन शाओरन का हाथ पकड़ लेती है और विक से कहती है कि अपनी गेम को किसी भी खतरे से बचाने के लिए मैंने उसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया था। अगर तुम ये डेटा यहाँ से ले भी जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं सब कुछ खत्म कर सकती हूँ। एक तो तुम्हारे हाथ से डेटा जाएगा और दूसरा तुम्हें सजा भी मिलेगी। अब शाओरन विक से इसी बारे में बहस करने लगता है। सॉन्गलिन इस मौके का फायदा उठाकर विक की कार से ये डेटा निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही सॉन्गलिन इस डेटा को बाहर निकालती है तो सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। वापस घर आने के बाद शाओरन डॉक्टर शो को कॉल करके कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर शो यही कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द शिंगटियन को गेम में वापस भेजना होगा, लेकिन शाओरन कहता है कि विक ने जो प्रोग्राम एक्टिवेट किया उसकी वजह से गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये डॉक्टर शो से पूछता है कि सॉन्गलिन कब उठेगी। डॉक्टर शो कहते हैं कि जब सॉन्गलिन में एनर्जी आ जाएगी तब उठ जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सॉन्गलिन को उठने में कितना टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ लिन विक के खिलाफ केस की तैयारी कर रहा होता है। इतने में असिस्टेंट आकर लिन से कहता है कि विक को अरेस्ट कर लिया गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद शैन को लिन के पास आके कहती है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लिन कहता है कि जो होना था वो तो हो गया है, अब मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। शैन को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, इस बात का फैसला मैं करूँगी, मेरे डैड नहीं, इसलिए अब मेरे डैड जो भी कहें मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शैन को लिन से कहती है कि तुम मुझे इस बार माफ कर दो, अब मैं कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर सॉन्गलिन और शाओरन की मदद करते हैं ताकि वो लोग आराम से इस गेम को लॉन्च कर सकें। ये कहकर शैन गु लिन को हग करती है। अब ताशोंग शाओरन के पास आता तो शाओरन कहता है कि क्या तुम लोगों को कोई हल मिला। ताशोंग कहता है कि विक के प्रोग्राम से सॉन्गचोंग का कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो गया है, अगर कोई गेम में इस कैरेक्टर को हरा दे तो हम इसके कोड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लेयर के पास इस कैरेक्टर को हराने की स्किल नहीं है। शाओरन अब गेम में जाना चाह रहा था। ताशोंग कहता है कि इस टाइम पर गेम में लॉग इन करना सेफ नहीं है, तो शाओरन कहता है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जैसे ही शाओरन गेम के अंदर एंटर होता है तो सॉन्गलिन के भाई का कैरेक्टर अब नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, ये शाओरन को मारता है। शाओरन सॉन्गलिन के भाई से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्गलिन का भाई बहुत पावरफुल होता है इसलिए शाओरन इसका मुकाबला नहीं कर पाता। ताशोंग कहता है कि ये मेथड काम नहीं करने वाला क्योंकि सॉन्गचोंग का कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो चुका है। अब शाओरन नैन को कॉल करके कहता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम एक प्लान बनाओ। नैन कहता है कि फिर तुम ट्रेनिंग कब से स्टार्ट कर रहे हो। शाओरन कहता है कि कल से। अब शाओरन नैन के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। शाओरन कहता है कि मुझे अपनी स्किल्स को बूस्ट करने के लिए कितना वक्त लग जाएगा। नैन कहता है कि कम से कम कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। शाओरन कहता है कि क्या मैं ये काम दो हफ्तों में नहीं कर सकता। तो नैन कहता है कि ये नामुमकिन है। शाओरन कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं इसलिए मुझे ऐसा करना होगा। नैन कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ये सुनने के बाद शॉक नहीं हो जाओगे, और दूसरा ये कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। नैन कहते है कि ठीक है। सॉन्गलिन गेम में लॉग इन नहीं कर पा रही होती तो ये ताशोंग को कॉल करके कहती है कि क्या तुम लोगों को कोई सलूशन मिल गया है। इनके पास कोई सलूशन तो नहीं होता, लेकिन ये सॉन्गलिन से झूठ बोल देते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम जल्द गेम को फिक्स कर लेंगे, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद नैन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या इसके अलावा और कोई हल नहीं है। शाओरन कहता है कि अभी तक तो नहीं है। नैन कहता है कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगे, हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शाओरन कहता है कि ताशोंग ने कहा है कि गेम उनके कंट्रोल से बाहर है, अगर कोई गेम में लॉग इन करेगा तो उनको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो सकता है। मैं तुम सब लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ यी सॉन्गलिन को अपने साथ वेकेशन पर लेकर जाने के लिए मना रही होती है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं वापस आने में कई दिन लग जाएंगे, मैं गेम की इंचार्ज हूँ तो मैं अपनी टीम को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यही कहती कि मैं भी तुम्हें इसीलिए अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ ताकि तुम अच्छे से रेस्ट कर सको, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे दिमाग में कोई सोल्यूशन आ जाए। यही बहुत रिक्वेस्ट करती इसलिए सॉन्गलिन
इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। की कहने लगती है कि हम लोग आखिरी दफा अपनी ग्रेजुएशन के बाद ट्रिप पर गए थे। सोमिन कहने लगती है लेकिन वो ट्रिप तो किसी वजह से कैंसिल नहीं हो गया था। की कहती है कि हाँ हो गया था लेकिन हमने स्विट्जरलैंड की टिकट्स खरीदी इसलिए टीचर्स की रिक्वेस्ट करने के बाद हम चले गए थे, लेकिन तुम्हें ये बात भूल क्यों गई है। सोमिन कहती कि शायद काफी टाइम हो गया इसलिए मुझे सही से याद नहीं है। सोमिन अब अपनी और यी की तस्वीरें देखते हुए कह रही होती है कि क्या हम वाकई में स्विट्जरलैंड गए थे, लेकिन मुझे ये बात याद क्यों नहीं है। इतने में यहाँ पर शाओरन आ जाता है। सोमिन शाओरन से कहने लगती है कि आज मैंने वू और ताशम को कॉल की थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हल मिल गया है, लेकिन मैं कन्फर्म करना चाहती हूँ कि क्या वो मुझसे सच बोल रहे थे। विक एक वर्ल्ड क्लास गेमर है, अगर उसने हमारे गेम को खराब किया है तो हमारे लिए सब कुछ सही करना काफी मुश्किल है। शाओरन कहता है कि विक सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हार्ड ड्राइव अपने साथ लेकर जा सके। ताशम और वू को वाकई में ही सलूशन मिल गया है, ये मसला जल्द ठीक हो जाएगा। सोमिन कहते हैं कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे उन पर भरोसा होना चाहिए। सोमिन इस बात पर प्राउड महसूस कर रही होती है कि इसने अपने लिए एक अच्छी टीम चुनी है। शाओरन कहते हैं कि क्या तुमने मुझे भी किसी पर्पस के तहत चुना था। सोमिन कहती है कि नहीं, तुम तो खुद ही मेरे पास आ गए थे। सोमिन शाओरन को बताती है कि ये मुझे अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाना चाहती है। ये सुनकर शाओरन अपसेट दिखाई दे रहा होता है। सोमिन कहती है कि ये बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। सोमिन कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि अभी मैंने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, लेकिन मैं ये को अपसेट नहीं करना चाहती। शाओरन कहते हैं कि मैं तो इसलिए अपसेट हो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सोमिन कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो मेरी पिक्चर्स देख लेना। आज सोमिन कुछ ढूंढ रही होती है। शाओरन इसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, तो सोमिन कहती है कि मेरा नेकलेस गुम हो गया है। शाओरन कहता है कि तुम इस नेकलेस को कभी भी नहीं उतारती, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। तो सोमिन कहती है कि ये नेकलेस मैंने अपने भाई को याद रखने के लिए डिजाइन किया था। शाओरन कहता है कि तुम तो मेरी सोच से ज्यादा अपने भाई को याद करती हो। सोमिन कहती है कि अगर उस दिन मेरा भाई मेरी जान ना बचाता तो वो कार मुझे हिट करती, मेरे भाई को नहीं। शाओरन उसे कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शाओरन को सोमिन का नेकलेस मिल जाता है। शाओरन कहता है लेकिन तुम्हारे नेकलेस की चेन टूट गई है। ये देखकर सोमिन अपसेट हो जाती है। तो शाओरन कहता है कि मैं अंकल चेंग से कहकर ये फिक्स करवा दूंगा। आज शॉकिंग करते हुए शाओरन अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने सोमिन से वादा किया था कि उसके भाई का कैरेक्टर गेम से गायब नहीं होगा, लेकिन अब मैं सोमिन को क्या जवाब दूंगा कि उसके भाई का कैरेक्टर कहाँ गायब हो गया है। इतने में इसको ताशम की कॉल आती है जो कि इसको बताता है कि सोमिन के भाई का कैरेक्टर खुद ब खुद अपडेट हो गया है, जिसकी वजह से कई दूसरे कैरेक्टर्स गायब हो रहे हैं। अगर ये सब चलता रहा तो गेम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। शाओरन कहता है कि हमारे पास कितना वक्त है। ताशम कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। ताशम कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हम जितना डिले करेंगे सोमिन के भाई का कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। शाओरन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। सोमिन अपनी और शाओरन की पिक्चर्स प्रिंट करके उन पर कुछ लिख रही होती है। सोमिन ये सारी पिक्चर्स दीवार पर लगा देती है। दूसरी तरफ शाओरन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।